हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। विविध पाठ और स्तुतियों के अर्थ की चर्चा करते हुए कल हमने दौलत राम जी का एक सुंदर प्राचीन भजन चिन्ह मूर्त दृढ़धारी की उसकी चर्चा की थी और आज फिर एक दौलत राम जी का प्राचीन भजन हमारे सामने है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक भजन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम तो कबू न निज घर आए। कितने सुंदर चर्चा है और बात सुनने में कैसी लगती है हमारे को, कभी निज घर नहीं आए, अपने घर में नहीं आए कभी। यहाँ से मंदिर से उठने के बाद रोजाना तो घर जाते हैं। आप अपने घर को भूल गए हो क्या कि हाँ हमें अपने घर का ठिकाना मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारा वास्तविक घर कौन सा है। ये बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ दौलत राम जी ने इस भजन में किया है। एक बार भजन बोल लेते हैं, प्राचीन भजन और प्राचीन धुन है, पुरानी ही धुन में गाया गया है। सुनिए एक एक लाइन सुनना। हम तो कब हूँ निज घर आए, हम तो कब हूँ निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन लगती है। कैसी बात कह रहे हो आप, हम कभी भी निज घर, कब हूँ माने कभी भी निज घर, अपने घर में
नहीं आए हों, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो ऐसे व्यक्ति के लिए संभव दिखाई देती है जो व्यक्ति पागल हो, जिस व्यक्ति की याददाश्त खो गई हो, जिसे कुछ स्मरण में ना हो, सर पे चोट पड़ी हो और पुरानी बातें सब कुछ भूल गया हो कहीं परदेश में जाकर, अब कोई उसे रास्ता बताने वाला नहीं है। वो कहता है, हम तो कबू न निज घर आए। नहीं भाई, जगत में ऐसे मंदबुद्धि पागलों की बात यहाँ नहीं है। सच में तो यहाँ ऐसे पागलों की चर्चा चल रही है जिनको अपने वास्तविक घर का पता नहीं है और ईंट पत्थर मकान के ये चूने के मकानों को ही जो अपना मकान कहते हैं, जो अपना मकान समझ लेते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। आप जिस मकान को अपना मकान समझ रहे हैं वो मकान आपका नहीं है, क्योंकि जिसे आज आप अपना कह रहे हैं उसे आज के 20 साल पहले कोई और अपना कहता था, उसके 30 40 50 वर्ष पहले कोई और अपना कहता था, उसके पहले कोई और अपना कहता था। आज तक अनगिनती वर्षों में न मालूम कितने लोग आए और उस मकान को अपना कहते हुए चले गए। और आप क्या सोचते हैं कि ये आपका है? अरे आप भी अपना अपना करते हुए चल बसेंगे और फिर कोई नए लोग आएंगे, वो कहेंगे कि ये मकान तो हमारा है। मकान से तो पूछो जरा कि किसका है। ये धन संपत्ति मकान ये किसी के हुए नहीं है। और जिसे आज हम अपना कह रहे हैं, वसुंधरा राजे ये कहती हैं कि जयपुर तो हमारा है, राजस्थान तो हमारा है। अब बताओ, उनका है या आपका है? आपके जो पार्षद हैं वो आपके एरिया को क्या कहते हैं? ये तो हमारा है, ये सारे मकान हमारे हैं। गजब हो गया, तुम्हारे हैं कि हमारे हैं? कि नहीं भाई, दोनों ही भ्रम में हैं। ये मकान तो सच में पत्थर का है, जो इसमें अपनापन करे वो उसे अपना कहता है, लेकिन ये कहना भी बहुत स्थूल व्यवहार है। सच्चाई यह है कि ये धरती आज तक कभी किसी की हुई नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जैसे इस धरती और मकान को अपना कह कह करके चले गए। कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए कृष्ण रुक्मणी सुत भामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे मरे रण में। बोले सारी की सारी जो कहानी है इतिहास की, ये सब क्या बतला रही है कि कहाँ गए वो सब अपना अपना कहते हुए। क्षणभंगुर हैं ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। फिर क्या हुआ? कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। क्या सब जीते जी के किस्से हैं? भाई साहब जिंदा है तब तक अपना अपना कहता रहता है, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं? दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? हम तो कब हूँ निज घर आए। किया क्या? अपने घर नहीं आए तो रहे कहाँ, ये तो बताओ। पर घर फिरत बहुत दिन बीते। क्या लगता है? ओहो, क्या कह रहे हैं? नाम अनेक धराए। ये नाम धराना क्या होता है? सही बात है, टेम्प्रेरी एड्रेस तो बहुत मिले, परमानेंट एड्रेस नहीं मिला। मैं तो पूछ रहा हूँ ये नाम धराना क्या होता है? नाम बदनाम करने को कहते हैं नाम धराना।
क्या, ये पुरानी भाषा का एक प्रकार से समझ लीजिए आप मुहावरा जैसा है, क्या कहेंगे उसे, लोकोक्ति है पुरानी भाषा में, नाम धराए। ये ऐसे खोटे काम करके क्या नाम धराए, जैसे बिन लादेन का भी नाम है, है? ओसामा बिन लादेन, रावण, कैसा नाम धराया उसने कि अब दुनिया में कोई व्यक्ति अपने बच्चों का वो नाम रखने को तैयार नहीं है, ऐसा नाम धराया उसने। रावण नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ऐसे खोटे काम किए, पर घर फिरत, दूसरों के घरों में फिरते रहे और बहुत दिन बीते। तो आप क्या चाहते हो कि दूसरों के घर को छोड़ो और अपने घर में आ जाओ, कुछ ऐसा काम होना चाहिए। और ऐसा काम करते हैं हमारे महामुनिराज, हमारे मुनिराज वीतरागी संत, वे संत जिनके संबंध में सारा जगत यह कहता है कि उन्होंने घर छोड़ दिया, सारा जगत यह कहता है उन्होंने परिवार छोड़ दिया, संपत्ति और वैभव छोड़ दिया। लेकिन जिनागम के गहराई से जानने वाले विद्वान ये कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा तीर्थंकर जैसे महापुरुष ये कहते हैं, उन्होंने अपने घर को छोड़ा नहीं, अपने घर को पहचान लिया। सारा जगत यह कहता है कि घर छोड़कर मुनि बने, लेकिन जिनागम ये कहता है आज तक अपने घर को नहीं पहचाना था, अब अपने घर को पहचान लिया, इसलिए जो पर घर था उसे छोड़ दिया। सारा जगत यह कहता है कि मुनि हो गए, संपत्ति का त्याग कर दिया, लेकिन जिनागम यह कहता है अपनी वास्तविक संपत्ति को प्राप्त कर लिया, अपनी गुण संपदा को प्राप्त कर लिया। अंदर में जो गुण भरे हैं, अंदर में जो ज्ञायक ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, ये जो चैतन्य में भरे हुए गुण हैं, इन गुणों को प्राप्त कर लिया है, इसलिए छोड़ने का नाम मुनि अवस्था नहीं है, प्राप्त करने का नाम मुनि अवस्था है। घर छोड़ने को तो सारा जगत मुनि अवस्था कहता है, लेकिन घर में आने का नाम मुनि अवस्था है, ये कोई विरले ज्ञानी ही जानते हैं। पर घर फिरत, बहुत दिन बीते, कहाँ फिरते रहेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, कौन कौन से घरों में, ये आस पड़ोस के घरों में घूमने की बात नहीं है, जिस घर में, जिस घर को आप अपना कहते रहे हैं वो घर भी आपका घर नहीं है, वो पर घर है, उसे तो छोड़ दिया, अपने घर में आ गए। पर घर फिरत, बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूँ निज घर आए। कितनी गहराई है इन भजनों में, सोचो आप। नाम अनेक धराए मतलब पिता भी, हाँ ये भी कह सकते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, हैं अलग अलग तरह के नाम, कभी अजय नाम हो गया, कभी विजय नाम हो गया, कभी संजय नाम हो गया, संजीव नाम हो गया, क्या दम है इन नामों में, बोलो। ये सब नाम ही तो धरे हैं ना, धर दिए थे नहीं, ये नाम था नहीं मेरा, नाम धर दिया गया। नाम किसका धरा जाता है, जैसे समझो ये तो चोर है, नाम धराया उसका लोगों ने, ये डाकू है, अब डाकू कोई उसका नाम थोड़ी ना था, ये तो लोगों ने उसका नाम धर दिया, ये बदमाश है, ये बेईमान है, सारे जगत में बेईमानों के नाम से ये प्रसिद्ध है कि कैसे हो गया कि नाम धर दिया इसका लोगों ने। तो ऐसे नाम धराए अपने कि काम क्या किया था हमने, गलती क्या थी जो हमने नाम धराए, हमने ऐसी क्या गलती कर दी थी, किसी व्यक्ति ने चोरी की है और चोर नाम धराया है तो बात समझ में आती है, हमारी क्या गलती है, तो कह रहे हैं भैया, पर पद निज पद मानी मगन हुए, पर परिणति लपटाए। क्या कह रहे हैं, पर पद, पर पदों को निज पद मान लिया, मैं अध्यक्ष हो गया, मैं मंत्री हो गया, क्या मैं यहाँ का अधिकारी हो गया, अब यहाँ का प्रमुख बन गया मैं, ये क्या कर रहा है तू, कौन से पदों को अपना पद मान रहा है भाई साहब, ये पद तुम्हारा है नहीं, क्या पर पद में मस्त हे जगत के अंधे प्राणियों, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है अमृत चंद्राचार्य देव ने,
सारे जगत के भाई ये पदों में और क्या पद हो सकते हैं। मैं व्यापारी हूँ, ये मेरा पद है। आपकी पोस्ट क्या है? अपना अपना। मैं मैनेजर हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये अलग अलग तरह की पोस्ट, ये पर पद हैं भाई साहब, ये पद तुम्हारे हैं नहीं। हमारे यहाँ तो जो अपने पद हैं ये पांच ही पद हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पद हैं, ये असली पद हैं। इन पदों को तो पहचान, और ये पद भी कोई बाहर का पद नहीं है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है ये पद। अरे अपने पद को स्वीकार करने पर बाहर में जगत के जीवों को ये पद इस तरह के दिखते हैं। पर पद, निज पद, मानी, मगन वे, मगन हो गया, कभी शरीर को अपना मान लिया, देह को अपना मान करके, और क्या क्या पद। वही कहता है मैं पिता बन गया, वो कहता है मैं दादा बन गया, मैं चाचा बन गया, मैं मामा बन गया। ये क्या है? ये पर पद हैं जिनको तूने अपना पद मान लिया है। पद बढ़ गया भाई, अब तो सास बन गई। आज बनी मैं जेठानी, अब तो मेरा पद बढ़ गया। क्यों, ये कौन सा पद बढ़ गया? गुणस्थान बढ़ने का नाम बढ़ना कहते हैं जनागम में। गुणस्थान नहीं बढ़ा तो क्या बढ़ गया? सारा जगत ये कहता रहे, अरे अरे इस बालक को देखो आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको पता है इनके पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ था तब कुछ नहीं था इनके पास में, और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गया भाई साहब। आचार्य कह रहे हैं कि हमें तो लगता है वहाँ का वहीं खड़ा है, दो कदम आगे नहीं बढ़ा, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। कदम बढ़ने का मतलब गुणस्थान पहले से चौथा हो जाता, इसका नाम है बढ़ना। पर पद को अपना पद मानकर मगन वे, मगन हो गया, और पर परिणति लपटाए, पर परिणति के साथ में लिपट रहा है, पर के साथ में लिपट रहा है, संयोगों के प्रति अपनत्व बुद्धि कर रहा है। कभी धन से लिपटता है, कभी परिवार से लिपटता है, कभी संपत्ति से लिपटता है, नोटों के पीछे, डॉलर के पीछे भागता है। ऐसे ऐसा लगता है ये और आ जाए, ये और आ जाए, कि कहाँ कहाँ अटक रहा है भाई साहब। न मालूम कौन कौन से कॉइन के पीछे लगा है, सिल्वर का, गोल्ड का, गुडविल नाम, जान पहचान, मेरी इमेज, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। देखो आप, हजारों लोगों में आज मुझे ऊपर बिठा दिया गया। अरे तो क्या दम है, तुझे जो ऊपर बिठाया है ना, ये थोड़ी देर बाद में नीचे उतारेंगे क्या? अरे मैं वो उतारने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उतर ही जाएगा। जब तेरे पुण्य का उदय समाप्त होगा तब तो उतरेगा ही। मैं तो पुण्य के उदय समाप्त होने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कार्यक्रम समाप्त होने की बात कर रहा हूँ। अभी अभी घंटे भर में जब कार्यक्रम संपन्न होगा तो कहेंगे बस अब उतरो नीचे। बहुत चढ़ लिए। कहाँ चढ़ रहा है? हम तो ऐसी जगह पर चढ़ने की बात करते हैं जहां से फिर वापस उतरना नहीं होवे, उस अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था। वहां से उतरना नहीं होता, वो है परम पद। परम पद को प्राप्त करने वाले वे हैं परमेष्ठी, जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया है, जिन्होंने उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया है। हम लिपटते रहे पर परिणति के साथ में, परिणति माने पर्याय, पर परिणति, पर पर्यायों के साथ में हम लिपटते रहे, और क्या हुआ? शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर चेतन भाव न भाए। क्या क्या हालत है, शुद्ध दशा को नहीं पहचाना, बुद्ध दशा को नहीं पहचाना, कौन सी सुख कंद, सुख से भरी हुई अवस्था को नहीं पहचाना मैंने। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर, ये नहीं नहीं साहब आप क्या बात कर रहे हो, कंकड़ पत्थर पे कहाँ, हम तो समझदार हैं, हम तो पार किए हैं, धोखा खाने वाले थोड़ी ने, तो रियल स्टोन, प्रीशियस डायमंड हैं, रूबी, एमराल्ड, अरे क्या क्या है भाई साहब ये,
प्रीशियस आगे स्टोन है, पत्थर है पत्थर, अरे थोड़े चमकदार दिखते हैं तो तू उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। कुछ होश नहीं है हमारे को, भूल गया अपने खजाने को। सुख कंद आनंद से भरा हुआ खजाना जहाँ था, जहाँ शांति थी, जहाँ सुख था। कंद, कंद माने होता है समूह, ग्रुप। सुख कंद, सुख का समूह है मनोहर, मन को हर लेने वाला। सुख कंद, सुख से भरा हुआ मन को हर लेने वाला। शुद्ध और बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूपी, और शुद्ध परम पवित्र अपना जो चैतन्य भाव था वो ना भाए, वो पसंद ही नहीं आया। ना भाए का अर्थ ना भाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बार अपने स्वरूप को जानेगा और पहचानेगा तो वो पसंद न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हमने चैतन्य आत्म तत्व की चर्चा शुरू की, वैसे कह रहे अरे बंद करो यार आत्मा भात्मा की चर्चा है, ये इसका नाम है नहीं भाई, पसंद नहीं आई। आत्मा की बातें पसंद नहीं आई, अध्यात्म की चर्चाएं पसंद नहीं आई। बड़े बड़े विशेष पद वाले लोगों से भी जब हम चर्चा करते हैं और कभी आत्मा की चर्चा शुरू की तो तुरंत मना कर देते हैं, नहीं नहीं मंडी जी आप तो दूसरी बातें बताओ, ये नहीं। आत्मा तो ठीक है, हाँ आत्मा तो क्या है, अरे आत्मा माने मेरी बात है, आत्मा माने किसी और की बात नहीं है। आत्मा की महिमा माने मेरी महिमा है, ये चैतन्य स्वरूप की महिमा, ये आज तक कभी भी तुझे भाई नहीं। हाँ देखो, पर पद निज पद मानी मगन है। और आज यदि कोई अभी व्यक्ति आपका नाम लेकर के तारीफ करे, बोलो तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है। अखबार में नाम छप जाए ना तो लगता है हाँ मेरा मेरा, अरे क्या तेरा नाम है क्या, तो कहाँ अटका है, कौन सी जगह पे उलझा फंसा है। जिस नाम को तुम अपना मानकर बैठे हो उस नाम में क्या दम है। चक्रवर्ती सम्राट जैसे जब छह खंड की विभूति को जीत लेने वाले वृषभाचल पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं तो चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई शिला को देखकर सारा का सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है। हम कितने बड़े, हम कितने बड़े, मुझे दुनिया जानती है, मुझे दुनिया जानती है। कि दुनिया तुझे जानती है, तू अपने आप को जानता है कि नहीं है? दुनिया जानती है मेरे को कि तू अपने आप को जानता है, क्यों मैं तो ये हूं ना, अपने आप की खबर। सारे जगत की खबर रखने वाला अपने आप से बेखबर है, अपने आप की खबर नहीं। पर परिणति में, पर नाम में इस देह के नाम को अपना नाम समझ बैठा है, इस देह की प्रसिद्धि में अपनी प्रसिद्धि समझ बैठा है और अपनी प्रसिद्धि को भूल बैठा है। पर परिणति निज परिणति मानकर मग्न हो गया है, देह में इतना तल्लीन हो गया है, इतना तन्मय हो गया है कि इसको देह के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए जब आत्मा की चर्चा करते हैं तो ये कहता है इससे क्या हासिल होगा, कुछ ऐसा उपदेश दो जिससे बिजनेस बढ़े, कुछ ऐसा उपदेश दो कि जिससे घर गृहस्थी और परिवार में शांति हो। अरे भाई साहब अंदर शांति की बात कर रहे हैं, इकट्ठे कर लो बाहर में चाहे जितने, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती। कितने भी हो देख लो आप, बड़े बड़े लोगों को देख लो, आपको शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, क्योंकि सबकी एक लिमिट है और मनुष्य गति तो सबकी है। नहीं नहीं साहब बहुत बड़े आदमी, आपको पता है क्यों उनको तकलीफ नहीं होती होगी, ये नरेंद्र मोदी जो भाग दौड़ कर रहा है रैली के लिए अभी यहाँ, तो उसको टेंशन नहीं होती होगी, घबराहट नहीं होती होगी, उसको थकान नहीं होती होगी, उसके माथे पे वजन नहीं होगा, उसके दिमाग में कितनी टेंशन होगी, नया नया मैटर कहाँ से लाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ, यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से वहाँ भागो, के तो कितनी सिक्योरिटी, अभी तो कितनी घबराहट है उनकी, वही जानते हैं दूर दूर के ढोल सुहावने, ऐसी दशा है। दूर से देख देख करके इसका मन ललचाता है, इस जैसा बन जाऊँ, इस जैसा बन जाऊँ, इस जैसा बन जाऊँ। लेकिन भाई सच में यदि तुझे किसी जैसा बनना हो तो उन जैसा बनना जिनके चेहरे से परम वितराग शांति झलकती हो।
छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, जिनके चेहरे पर आकुलता नहीं हो, जिनके चेहरे पर टेंशन नहीं हो, जिनके चेहरे पर घबराहट नहीं हो, अरे क्रूर पशु भी जिनके सामने आ जाएं, कोई बंदूक लेकर के सामने आ जाएं, कोई शत्रु प्रहार करने वाले उनके सामने आ जाएं, निंदा आलोचना करने वाले चारों तरफ से उन्हें घेर लेवे, तो चेहरे पर माथे पर तीन सल नहीं पड़ते हैं जिनके। आखिर शांति का आधार क्या है? शुद्ध बुद्ध सुख कन्न मनोहर आत्म भाव को भाए, इसलिए सल नहीं चेहरे पे पाए। अपने आत्म भावना को भाते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं, इसलिए बकते रहो ना, तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? बाहर का लाभ और हानि उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। ये शांति है, ये शांति का आधार है। आखिर ऐसा क्या है उन मुनिराजों के पास में जिसके कारण अपार शांति उनके चेहरे से झलकती है? परम शांत मुद्रा, कैसी शांत मुद्रा होती है, और हमारी कैसी दशा है और उनकी कैसी दशा है, तुलना कर लो आप। पर परिणति लपटाए और हम चेतन भाव न भाए, अपने भाव अपने को नहीं भाए। ओ हम तो कब हूं न निज घर आए, कहां कहां भटके, क्या क्या किया, नर पशु देव नरक निज जान्यो, पर जाए बुद्धि लहाए। क्या कह रहे हैं? पर जाए बुद्धि जिस अवस्था में जाता है उस अवस्था में तन्मय हो जाता है। पद्म पुराण का वो प्रसिद्ध कथानक किसने नहीं सुना है, वो सेठ मुनिराज के पास में गया था और मुनिराज से जाकर के चर्चा चल रही थी और मुनिराज ने उसके भाव जानकर ये कहा, आत्मकल्याण के मार्ग में तुझे लग जाना चाहिए, तेरी आयु तो मात्र 7 दिन की बची है। ओहो महाराज, मर के कहाँ जाऊँगा, तो तू तुम्हारे ही घर के पीछे पाखाने में कीड़ा बनेगा, वहां भिष्टा में जहां शौच के लिए जाता है ना, वहां कीड़ा बन जाएगा मर करके। ओ मैं तो जाना नहीं चाहता ऐसी जगह पर। लेकिन संत कह रहे हैं बात झूठ नहीं हो सकती। घर आया और घर आकर के अपने पुत्र को कहा, बेटा ये मुनिराजों की कही हुई बात है, ये दिगंबर संतों की कही हुई बात है, विशेष ज्ञानी है, इनकी बातें झूठ नहीं हुआ करती, बात तो सच्ची है। 7 दिन बाद में मेरा मरण होगा, देह विलय होगी, देवलोक गमन नहीं त्रियंश लोक गमन होगा और मर करके वहाँ कीड़ा बन जाऊँगा। मैं ऐसी गंदी जगह पर रहना पसंद नहीं करता। अरे 5 मिनट के लिए जाता हूँ तो मैं वहाँ जिंदा नहीं रहना चाहता। जैसे ही मैं वहाँ तेरे को दिखूँ, कीड़ा दिखे तेरे को, तो मुझे मार देना। कि ठीक है पिताजी, जो आ गया। 7 दिन बाद में मरण हो गया, मर करके विष्ठा में वहाँ कीड़ा बन गया। अब क्या हुआ? याद आई पिताजी की बात, वो मारने के लिए गया और जैसे ही मारने के लिए जाए वो तो बिल में चला जाए, छिप जाए, वो दौड़े इधर से उधर, वो मरना नहीं चाहिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और फिर छिप गया, पता नहीं किधर गायब हो गया। कैसे मारूं मैं? कई बार ऐसा हुआ और नहीं मार पाया तो मुनिराज के पास जाकर के पूछा, तो मुनिराज ने कहा, भाई इस संसारी जीव की दशा इसी प्रकार की है, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, ये जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता है, जिस अवस्था में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है। थोड़े दिन तो इसको अटपटा सा लगता है, फिर ये वहाँ से छूटना नहीं चाहता, ये वहाँ से बदलना नहीं चाहता, जगह नहीं बदलना चाहता, मरना नहीं चाहता, इसकी ऐसी अवस्था है। तुम चिंता मत करो, कही होगी उन्होंने बात, लेकिन ये मरना नहीं चाहते, हम भी जगह बदलना नहीं चाहते। आज यदि आपसे ये कहा जाए, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है सर, बोलो किसी दूसरी जगह पर, आप कहोगे यार यहीं भले हैं, रहने दो, ट्रांसफ़र कोई अच्छा थोड़ी है। और आपको मजबूरी में ट्रांसफ़र हो गया और चले गए, अब महीना 2 महीना रह लिए, आप कहें फिर ट्रांसफ़र, बोले नहीं नहीं यहीं ठीक है। क्या हुआ, अब सेट हो गए? कहाँ कहाँ, नर मनुष्य गति में, पशु त्रियंचों में, कभी कुत्ता बिल्ली चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े न मालूम कहाँ कहाँ जाकर मस्त हो गया।
देवगति में चला गया, नरक में चला गया, इन सब अवस्थाओं को निज जाना, अपना ही समझा और पर्यय बुद्धि लहाए, पर्याय बुद्धि को प्राप्त कर लिया, पर्याय बुद्धि धारण किए रहा और पज्जय मूढ़ा ही पर समया प्रवचन सार आचार्य कुलकुल स्वामी का वचन है। पर्याय बुद्धि से मिथ्या दृष्टि, पर्याय बुद्धि धारण की और क्या हुआ, आत्म गुण नहीं गाए, अमल अखंड अतुल अविनाशी, आत्म गुण नहीं गाए, अमल मल रहित, निर्मल नहीं कह रहे हैं, निर्मल और अमल दो अलग अलग शब्द हैं, यद्यपि सामान्य रूप से दोनों शब्दों का अर्थ एक से एक सा होता है, निर्मल और अमल, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से उनका अर्थ है अलग। निर्मल, मल जिसमें से निकल गया हो उसे कहते हैं निर्मल, और अमल, मल जिसमें था ही नहीं है ही नहीं उसे कहते हैं अमल, मल से रहित। निर्मल और अमल, तो अमल माने जिसमें मल नहीं है, जिसमें अपवित्रता नहीं है, जिसमें अशुद्धि नहीं है, जो सदा काल परम पवित्र है, जो सदा काल शुद्ध है, नरक में चला जाए तो कुछ कमी नहीं आती, निगोद अवस्था में रहा, श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता रहा तो भी मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। अमल अखंड, तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो एक अखंड, देह के खंड खंड होवे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अखंड तत्व हूं। अमल अखंड अतुल, किससे तुलना कर रहे हो आप, मेरे इस चेतन तत्व की तुलना जगत के किसी पदार्थ से नहीं की जा सकती। अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होने वाला, जगत के पद तो नष्ट होने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी हो गए तो कितने समय के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो गया तो कितने समय के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये तो तब जब पूरा कार्यकाल बिताए तब, और बीच में सरकार गिर जाए तो चलो राष्ट्रपति शासन, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन ये जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं ये अविनाशी पद है, आत्म गुण नहीं गाए, हमने कभी भी आत्मा के गुणों को नहीं गाया, हम गीत गाते रहे, औरों के भी गीत गाते रहे, उनके पदों के गीत गाते रहे, अरे साहब ये तो क्या पैसा है इनके पास में, क्या संपत्ति है इनकी, क्या चलती है आपको पता नहीं है, इनकी जो धाक है ना पूरे किशनपुर में, इनकी धाक है क्या, इनकी चलती है, आज सिक्का चलता है इनका, नाम चलता है इनका, लेकिन भाई आत्म गुण नहीं गाए। बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों को देखा है हमने, आज कौन पूछता है अटल जी को, कौन पूछता है बताओ मेरे को, मनमोहन सिंह जी को कौन पूछता है, रहे होंगे प्रधानमंत्री थे, आज क्या है ये बताओ, आज आपके गहलोत जी को कौन पूछ रहा है, क्या वक्त है, वापस सरकार आ जाए फिर पद, लेकिन जो पद चला जाए वो पद तुम्हारा है नहीं, जो पद छीन लिया जाए वो पद तुम्हारा नहीं है, और जो मेरा पद है वो किसी से छीना जा सकता नहीं है, आत्म गुण नहीं गाए। हाँ यही तो सारा अनादि काल से यही हो रहा है, इसलिए तो कहा पर घर फिरत बहुत दिन, बहुत भव, बहुत काल, बहुत जन्म बीत गए, पर घर फिरत बहुत परावर्तन बीत गए, ओहो पंच परावर्तनों में, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए क्या हुआ दर दर की ठोकरें खाता रहा, कभी इस गली में कभी उस गली में, न मालूम कितने घर बनाए मैंने लेकिन आज तक कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ठिकाना कहाँ है, B54, अरे वाह रे वाह, मकान नंबर है? ये मेरा ठिकाना है, ये ठिकाना नहीं है भाई, यह बहु भूले भाई हमरी फिर, क्या कह रहे हैं भाई, ओ यह बहु भूल भाई हमरी फिर,
ये बहुत बड़ी भूल रही, अपने आप को नहीं पहचाना। ये कितनी बड़ी भूल है बोलो, अपने घर को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि जा तो अपने आप को ढूंढता रहेगा, अरे जा तो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, जा तेरी पहचान तुझसे खो जाएगी, इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती है। न घर का ठिकाना, न परिवार की पहचान, न अपना नाम, न अपना पता, न अपना गांव, कहाँ जाएं ठोकरें खाने के अलावा? दीनहीन दरिद्री बनकर के जगत में फिरने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। ऐसी हाल आप कल्पना करो जरा, ये जिस अवस्था का चित्रण यहाँ कर रहे हैं उस अवस्था को जरा फील करके देखो तो आपको पता लगेगा ये कैसी अवस्था है। कर सकते हो महसूस? बोलो। यहाँ से गए ट्रेन में अकेले और यहाँ पहुँचना था वहाँ के बीच में ही किसी जगह पर, और एकदम सर पर चोट लगी और याददाश्त चली गई। अब बताओ क्या करें? अब बोलो। जेब में आईडी कार्ड नहीं है, जेब में पहचान पत्र नहीं है, पूछते फिर रहे हैं मैं कौन हूँ, मेरा पता, तुम मुझे जानते हो क्या? कोई नहीं जानता उस प्रदेश में तुम्हारे को। क्या करेंगे? कौन रोटियाँ डालेगा, कौन खिलाएगा, क्या हालत होती है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसी हालत जगत में लोगों की नहीं होती होगी? हो जाती है भाई साहब, कई घटनाएं घट जाती हैं इस तरह की, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं क्या कि अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक और रोड पर भीख मांग रहा है, अनाथ आश्रम में पल रहा है, बढ़ रहा है। बोलो आप। मैं कभी कभी ऐसी कल्पना करता हूँ, परिवार के साथ में चार पांच लोगों का परिवार है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है और बहुत महंगी गाड़ी है, और हाईवे पर जाते हुए एकदम एक्सीडेंट हुआ, परिवार के सब सदस्य मर गए और गाड़ी खत्म हो गई और चार छः महीने का बच्चा बच गया। अब बताओ क्या होगा उसका? गाड़ी खत्म हो गई, उसका नंबर नहीं है गाड़ी का, गाड़ी का नंबर भी नहीं है और पता नहीं है कि कौन से स्टेट की गाड़ी है। परिवार के सारे सदस्य मर गए, छः महीने का बच्चा है, हाईवे पर ऐसी दुर्घटनाएं घटती होंगी ना कई बार, फिर क्या होता होगा अरबों की संपत्ति के मालिक का, वारिस का उसका? बोलो। पुण्यवान भोगेगा। मैं तो कह रहा हूँ इसका क्या हुआ? क्या ऐसे जन्म ऐसे भाव हमारे नहीं हुए हैं कई बार? और आज कौन सी हालत है, गलत फहमी में धोखे में जिंदगी जा रही है। मैं बड़ा हो गया, मैं ये हो गया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने ऐसा मकान बना लिया, देखो तो सही, लोगों को बुलाता है, इकट्ठा करता है। सच्ची घटना है गुना की, एक अच्छे व्यक्ति थे, बहुत संपन्न व्यक्ति, 3 साल के अंदर मेहनत करके उन्होंने मकान बनाया, 3 साल इतना एक से एक चीज़ें लगाई उन्होंने, नांगल करने के लिए लोगों को बुलाया, निमंत्रण दिया, निमंत्रण पत्र बट गए, और क्या हुआ कि वो छत पर ऊपर जो लास्ट जो जगह थी वहाँ वो छत पे पानी दे रहे थे और छत से गिर गए और डेथ हो गई। बोलो। जो मकान में 3 साल लगाए ना उन्होंने, उस मकान का नांगल नहीं कर पाए। बोलो। उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। सच्ची घटना है, 50 घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही है, 2-4 घटनाएं तो सुनाता रहता हूँ आप लोगों को, मनुष्य जन्म की दुर्लभता वाले प्रवचन में सुनाई है मैंने। चलो क्या कह रहे हैं भाई? यह बहु भूले भाई हमारी, फिर ये कहता है मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को नुकसान क्यों हो गया, ये मेरे यहीं चोरी क्यों हो गई, मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अभी 2 महीने पहले तो उसको उधार दिए थे, 10 दिन पहले तो मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया था और 10 दिन भी नहीं हुए, 5 दिन भी नहीं हुए और आज ट्रांजेक्शन हुआ और आज ही कंपनी भाग गई, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यह बहु भूल भाई हमारी, फिर गलती किसी और की नहीं है, ये भूल तेरी है, ये गलती तेरी है। ये जैन दर्शन किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करने देता, ये जैन सिद्धांत ये कहते हैं गलती किसी की नहीं है, अपनी गलती देखो, अपनी गलती पहचानो, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ, हमारी ही गलती है, हमारी ही भूल है, और भूल भी कैसी है, बड़ी भूल है, ये कोई छोटी भूल नहीं है क्या? अरे जिससे पैसे लेने हो
उसके जिसको पैसे देने हो उसके नाम चढ़ा दिए जाएं, जिससे लेने हो उसके जमा कर दिए जाएं, ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है, ये कोई बड़ी भूल नहीं है। ये ऐसी भूल है जिस भूल की वजह से, जिस गलती की वजह से जेल होगी तुम्हारे को, ये वो भूल है। कौन सी जेल? चतुर्गति की जेल। सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। किसमें, कहाँ बैठने की बात कर रहे हो? और सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। कहाँ कहाँ बैठ रहे हो मास्टर साहब, बोलो। और जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। कि क्या होगा कि तुम चिंता मत करो, तुम तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके इस रेल में बैठ जाओ, फिर क्या होगा, तुम्हारी मंजिल पर ले जाकर के छोड़ेगी, मुक्तिपुरी में, मोक्षपुरी में ले जाकर के तुम्हारे को उतारेगी। पर घर फिरत बहुत दिन बीत गए भाई साहब, अब तो पहचानो, अब तो टटोलो अपने आप को, खबर लो अपने आप की, मैं हूं कौन? ये जो नाम दिखाई देता है यही मेरा नाम है क्या? ये जो बालक अवस्था दिखाई देती है ये मेरी है क्या? ये जो युवा अवस्था दिखाई देती है, मैं युवा हूं क्या? मैं वृद्ध हूं क्या? क्योंकि वृद्ध अवस्था तो सदाकाल नहीं थी, मैं तो सदाकाल था। ये युवा अवस्था मेरी नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था सदाकाल रहने वाली नहीं है। ये बालक अवस्था मेरी नहीं है, क्योंकि ये अवस्था तो बदल गई है। ये नाम मेरा नहीं है, क्योंकि इस नाम से तो दुनिया के लोग मुझे पुकारते हैं, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। जिन लोगों की याददाश्त और पहचान खो जाती है, परदेश में कहीं भटकते रहते हैं, दूसरे लोग उन्हें किसी नाम से पुकारना चालू कर देते हैं। कई करुणा वाले लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो उन्हें अपने पास रख ले हुए और उसका नाम कुछ भी रख करके उन्हीं के साथ रहने लगे। ये तेरा नाम नहीं है, ये तेरी असली पहचान नहीं है। बहुत बड़ी भूल हो गई है। सबसे बड़ी भूल क्या? अपने आप को नहीं पहचानना। तो यह बहु भूल, बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है भाई, हो गई हमारी हमारी, फिर कहा काज पछताए। अब बोलो क्या क्या, ये इतनी बड़ी भूल हो गई है, कहा काज, कौन से काम के लिए पछता रहा है तू? इस भूल को तो पहचान नहीं पा रहा है, और तू कौन से काम के लिए पछता रहा है? ओहो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, निकल गई मेरे हाथ से, अरे मेरे हाथ से निकल गई, अरे मेरे हाथ से निकल गई, ये क्या हो गया, ये क्या, कहाँ अटका है तू? इस भूल को पहचान। तो क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? यह बहु भूल वही हमारी, फिर कहा काज, काज मतलब काम, पछताए। और क्या अंतिम उपदेश दौलत राम जी, किसी और को नहीं कह रहे हैं, अपने आप को संबोधन करके कहते हैं, दौलत जो आज हूँ विषयन को, सतगुरु वचन सुहाए, जिससे हम तो निज घर आए। बोलो कब उन्हें निज घर आए? नहीं नहीं सतगुरु वचन सुनाए, सतगुरु वचन सुहाए, जिससे हम तो अपने घर में आए। सतगुरु के वचन आज तक नहीं सुने, इसलिए परगत फिरते रहे, और सतगुरु के वचन जिस क्षण मुझे सुहाए, जिस क्षण मुझे चेतन भाव भाए, जिस क्षण क्या कह रहे हैं आत्म गुणों को गाए, उसी क्षण निज घर को अपनाए, निज घर में आ गए। और देखो भाई सच कहूं, किराए के मकान में मजा नहीं है क्या? अपना घर होना चाहिए क्या? जैसा भी हो अपना हो, यही तो हम कह रहे हैं। जो मकान तुम्हें बदलने पड़े वो मकान तुम्हारे नहीं है, जो बदलने पड़े। ये मनुष्य देह वाला ये मकान कितने समय कि पता नहीं कब नोटिस आ जाए, खाली करो, फिर क्या होगा, दूसरी जगह ट्रांसफर, शिफ्ट हो गया, ये नोटिस ही है और क्या है, बाल सफेद हो गए पूरे के पूरे, और कौन सा नोटिस आना बाकी रह गया है?
आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, घुटने जवाब देने लगे हैं, नीचे बैठा नहीं जाता है, ये नोटिस नहीं है तो और क्या है, और कौन से नोटिस आएंगे अब बताओ। देह काम नहीं कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है नोटिस आए, नोटिस आए, और कौन सा नोटिस? दांत हिलना चालू हो गया, अब कह रहे हो नोटिस आना बाकी है, ये नोटिस ही तो है। ये जो नोटिस है इनको आपने नोटिस नहीं किया क्या, तो क्या होगा? इसलिए दौलत राम जी कहते हैं, भैया दौलत तजो आज हूं विषयन को, आज ही दौलत राम जी कहते हैं विषयों का त्याग करो और सतगुरु के वचनों को सुनो और इन वचनों को स्वीकार करो। वितरागी संतों के द्वारा कहे गए वचनों को, उनके द्वारा कहे गए उपदेश को स्वीकार करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने ही घर में समा जाओ। एक बार अपने घर में समा जाओगे फिर ठिकाने बदलने की जरूरत नहीं होगी, फिर शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान होंगे, तभी कहेंगे हम तो अब हूँ निज घर आए। हम सभी अपने घर को पहचान कर अपने घर में प्रवेश करें, इस भावना से बात करें।